कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम वसुदेव नंदन देवकी नंदन गो ब्राह्मण पालनायक यदुनंदन श्री राजाधिराज महाराज श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय हो। वेलकम टू नम ब्लॉग एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद तुम्हारा भाई ब्लॉग बना रहा। तो यार गाइस पूरा एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। और आपको एक छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी देने वाला हूँ इस ब्लॉग के अंदर, जो कि अहमदाबाद टू हमारे द्वारका की नगरी यानी गुजरात की पवित्र भूमि देवनगरी यानी द्वारका की तरफ जा रहे हैं। हम द्वारका में छोटे छोटे एक एक पल का मैं ध्यान रखते हुए छोटे छोटे एक पलों को खास बनाने के लिए आपका एंटरटेनमेंट के साथ में बहुत ही अच्छा और शानदार ब्लॉगिंग के साथ में आपको वहाँ की एक एक चीज़ की जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि अगर आप द्वारका जा रहे हो तो आपको क्या क्या घूमना चाहिए, कैसे घूमना चाहिए, और अगर अहमदाबाद से जा रहे हो तो आपको कहाँ से किस प्रकार से ट्रेन या तो बस या तो अलग से कुछ भी हो रहा है तो हम आपको उसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो एंड तक देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। जय द्वारकाधीश। दोस्तों बात करें अगर आपको द्वारकाधीश घूमना है यानी द्वारका मंदिर घूमना है तो सबसे पहले तो आपको अपने लिए बैग पैक करना रहेगा। बैग में आप दो जोड़ी कपड़े रखिए और कोई भी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, जहाँ से अगर आपके कोई भी नियर बाय रेलवे स्टेशन है तो वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट द्वारका की टिकट ले सकते हो। और अगर आप अहमदाबाद में हैं तो अहमदाबाद के पास में अपना कालूपुर रेलवे स्टेशन है, अहमदाबाद का ओनली वन रेलवे स्टेशन जहाँ से पूरे भारत में ट्रेन जाती है, आप वहाँ से ट्रेन पकड़ सकते हो जो कि ईजिली आपको द्वारका ले जा सकती है। सो फाइनली गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं कालूपुर रेलवे स्टेशन पर। आप सामने देख सकते हो कितना सुंदर सजाया गया है रेलवे स्टेशन को। सो गाइस चलिए फटाफट चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे ट्रेन का टाइम हो चुका है। हमारी जो ट्रेन है वो 10:45 की है और अभी ऑलरेडी 10:22 हो चुके हैं। तो आओ गाइस अभी जाके फटाफट ट्रेन की टिकट लेनी पड़ेगी, तो फटाफट चलते हैं और टिकट लेते हैं। तो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई आ चुका है टिकट सेंटर पे, लेकिन टिकट की लाइन है तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है गाइस। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखिए। सो गाइस फाइनली बहुत ज़्यादा लाइन होती है, इसलिए हमने जो वहाँ पर ऑनलाइन टिकट निकालने का अवसर रहता हमने वहाँ से चालू ट्रेन की टिकट ले ली है। वैसे भी ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं रहने वाली है। करेगा आज ट्रेन में बड़ा हरामी हो बेटा। अबे साले तभी। सो नाउ गाइस अभी हमारी ट्रेन चल चुकी है अहमदाबाद टू द्वारका के लिए। भाई ये क्या है ये सीन? भाई सुबह हो चुकी है सर, ये आगे कैमरे लेके सुबह जब बेइज्जती है। गुड मॉर्निंग गाइस, शो सुबह हो चुकी है और आज हमारा दूसरा दिन हो गया स्टार्ट। और चलिए फिर भगवान के नाम से शुरू करते हैं आज का ये दिन जो होने वाला है बहुत ही खास। कैसी लगी आगे स्वाद?
सो जय श्री कृष्णा दोस्तों, और अभी हम द्वारका की धरती पर पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यहां का व्यू देखें तो गाइस, ट्रेन के अंदर से भी बाहर का व्यू इतना सुपर आ रहा था ना भाई, क्या ही बताऊं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो इसलिए मैं रिकमेंडेड करता हूं कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप बाय ट्रेन जाइए, तो उससे क्या आपको देखने का पूरा मौका मिलता है, बहुत ही मज़ा आता है। सो गाइस, फाइनली इतने दिन की एक्साइटमेंट हमारी खत्म हुई, क्योंकि मैं बहुत दिन से विचार रहा था, सोच रहा था कि हम एक बार द्वारका जाएंगे, बट फाइनली राइट नाउ आई एम अलाइव इन द्वारका। और यहाँ की धरती पे आने के बाद जो एहसास होता है लाइक द्वारका जैसा, बहुत ही अच्छा है। मैं द्वारका रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहाँ से फिर अभी हम जाएंगे मंदिर की तरफ। गाइस, अगर मैं आपको द्वारकाधीश मंदिर जाने की बात करूँ तो रेलवे स्टेशन से ही मंदिर आपको दिखाई देने लगता है। रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर के आसपास मंदिर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ध्वजा आपको दिख रही है सफ़ेद, इसके पीछे आप देखेंगे तो एक ध्वजा दिख रही है जो कि 3 किलोमीटर के आसपास है। तो वहाँ पर हम चल के जाने वाले हैं। तो गाइस, हमने एक नया रूट खोजा है जो कि अगर आप रेलवे स्टेशन से सीधे यहाँ से नीचे आ सकते हो। इसलिए स्टेशन टिकट नहीं थी इसके लिए स्टेशन से भाग रहे छोड़ के। तो फाइनली अभी हम नीचे उतर रहे हैं और ऊपर से देखिए, हम यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन से जो लास्ट डब्बा था उसमें से नीचे उतर के जंगलों के बीच में आ गए। इसी जगह पे RTC रोड बनाया हुआ है, देख तो करी। अगर आप मंदिर चल के जाना चाहते हो तो आपको वहीं से ये शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा RCC का जो कि बना हुआ है, आप वहां से जा सकते हो। जय द्वारका देश, जय जय द्वारका देश, जय जय द्वारका देश। द्वारका नगरी यानी गोपाल की नगरी यानी द्वारकाधीश की नगरी, जिनको गाय भैंसों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, तो उनकी नगरी में भैंसों का दिखना तो स्वाभाविक था। फिर ऐसे ही चलते चलते घूमते घूमते हमें यह अतिथि गृह देखने को मिला, जल्याण अतिथि गृह, जिसके अंदर हम रुके, विश्राम किए और हमने स्नान किया। और स्नान करने के बाद मेरा आउटलुक इस तरह था। तो फाइनली गाइस, हमारा द्वारका मंदिर जाने का ये रहेगा आउटलुक, जिसके अंदर मैंने एक व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी है और ऊपर ये ब्लेजर टाइप का रखा है, जबकि बेस्ट लगा। और हमारे पूरा हमारा ग्रुप रेडियोग्राम था फ्रेंड सर्कल, और इसके बाद बस अभी हम 4 मिनट में निकलने वाले हैं द्वारका मंदिर के लिए। हरे कृष्णा। तो चलिए द्वारका मंदिर में हम आपको कुछ आज यूनिक चीज़ बताइए। यहाँ पे श्री जल्याण अतिथि गृह है, यहाँ पर अगर आप आते तो आपको नॉर्मली 50 रुपये में जो मॉर्निंग का टाइम होता है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे हम क्या डायरेक्ट बीच पे नहीं जा सकते, लाइक समुद्र के किनारे नहीं जा सकते, तो यहाँ पर आकर आप 50 रुपये में सिर्फ ओनली फॉर 50 रुपीज़ में आप पूरा स्नान कर सकते हो, फ्रेश हो सकते हो मॉर्निंग में। और यहाँ से ही रेडी होकर आप मंदिर की तरफ, यहाँ से नियर बाय है तो आप जा सकते हो 500 मीटर के अराउंड कुछ। तो गाइस, अभी हम निकल दिए और चल रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर की तरफ। अबे साले, तभी यादव श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण की जय हो। द्वारका यानी भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जहां पर आपको हर जगह गाय देखने को मिलेंगी, और गाय को चारा खिलाना एक पुण्य का काम है, तो हमने गाय को थोड़ा बहुत चारा खिलाया। द्वारिका के मेन गेट से अंदर एंट्री करते ही एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। यहाँ कई हर एक गलियों में कुछ अलग सीखने को या देखने को मिलता है। अगर आप थोड़ा टाइम वहाँ पर रुकेंगे, थोड़ा आसपास के लोगों से बात करेंगे, तो यहाँ के लोगों के बात करने का भी एक अलग ही स्टाइल होता है। जय द्वारका देश। द्वारका की गलियों में घूमते घूमते कब 3 किलोमीटर खत्म हो गया पता ही नहीं चला। फिर इन गलियों से बाहर निकलते ही हमारे प्रभु श्री कृष्ण का परचम लहराते हुए दिखाई दिया, हमारे श्री कृष्ण का ध्वजा लहराते हुए दिखाई दिया। और वो देखने के बाद मन में वो शांति मिलती है जैसे जन्मों जन्म के हम दुख ही भूल गए। एक मंत्रमुग्ध होकर मैं तो उसी को देखने में बिजी रह गया।
हमारे भगवान द्वारकाधीश के जो ध्वजा है उस ध्वजा की लंबाई 52 गज की है। अब 52 गज ही क्यों, तो चलिए मैं आज जो बताने वाला हूँ उससे जानकर आप शायद हैरान हो जाओगे कुछ। तो 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएँ, सूर्य, चंद्र और स्वयं भगवान द्वारकाधीश, इन सबको अगर हम जोड़ दें तो 52 की संख्या पूर्ण होती है। इसलिए ध्वजा की जो लंबाई है वह 52 गज की है। यहाँ पर हमें ये अंकल मिले, इनकी कलाकृति देखकर तो मैं दंग ही रह गया भाई। 2 मिनट भी नहीं लगाए इस चाचा ने तो पूरा महादेव को यहाँ पर बना के रख दिया और साइन भी कर दिया आपने कि देखो मैंने बनाया है। वाव, सो स्वीट, सो ब्यूटीफुल। मंदिर में लाखों की भीड़ आती है जिससे कि आपका चप्पल या जूता चोरी हो सकता है। इसलिए मंदिर की तरफ से एक ट्रस्ट चलाया जाता है जिसके अंदर आपको 20 रुपये देकर आपको एक टोकन मिलता है जहाँ पर आपके जूते रखे जाते हैं। सो भाइयों, अभी मैं मंदिर में दर्शन करके आया। मंदिर में दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। हमारे सामने एक नया झंडा भी इन्होंने लगाया अभी जस्ट। यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी गोमती नदी। गोमती का मतलब होता है, गो का मतलब होता है जल और मती का मतलब होता है बुद्धि। वो जल जो हमें भगवान श्री कृष्ण की तरफ जाने को आकर्षित करे या बुद्धि प्रदान करे वो है गोमती। ब्रह्मा जी ने भी कई बार ऐसे वेदों और शास्त्रों में कहा है कि 100 बार गंगा में स्नान लगाने से अच्छा है 1 बार गोमती नदी में डुबकी लगा लो। जय गोमती मैया की। हमको एक भैया मिले, उनके रिक्शा में अभी हम जा रहे हैं बेट द्वारका और भी कुछ ऐसे ही पवित्र स्थल है द्वारका से जहाँ पे हम घूमने वाले हैं। तो मैं बहुत ही जल्दी भैया से पूछ के बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं? बेट द्वारका। तो गाइस फाइनली अभी हम रिक्शे के अंदर बैठ चुके हैं और हमको भैया लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए अलग अलग प्लेस पे। तो अभी भैया बताएंगे हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। रिक्शा में बैठकर हम अभी द्वारकाधीश की गलियों का आनंद लेते हुए बाहर की तरफ निकल ही रहे थे कि भैया ने बताया कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर ही सबसे पहला मंदिर हम देखने वाले हैं जो कि माता रुक्मणी जी को समर्पित है। तो चलिए माता रुक्मणी जी के मंदिर चलते हैं और वहाँ की कुछ रोचक बातें जानते हैं। जय माँ रुक्मणी देवी की। गोमती द्वारका से करीब 2 किलोमीटर दूर है माता रुक्मणी का मंदिर। आखिर ऐसा क्यों कि प्रभु का मंदिर और माता के मंदिर के बीच में इतनी दूरी है? तो आइए दोस्तों, मैं आपको इसके पीछे की एक रोचक कहानी बताता हूँ। एक समय की बात है, माता रुक्मणी और प्रभु श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि के पास जाते हैं और उन्हें अपने घर आने का आमंत्रण देते हैं। दुर्वासा ऋषि आने के लिए मान जाते हैं लेकिन एक शर्त रख देते हैं। वे कहते हैं, मैं तुम्हारे यहाँ चलने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम जिस रथ पे आए हो उसके घोड़ों को खोल दो और उनके जगह तुम मुझे खींच के ले चलो। माता रुक्मणी और प्रभु कृष्ण स्वीकार करते हैं और ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और रथ को खींचने लगते हैं। रास्ते में माता रुक्मणी जी को प्यास लगती है। यह देखकर द्वारकाधीश अपने पैर से के अंगूठे से गंगा जल प्रकट कर लेते हैं और इससे मैया अपनी प्यास बुझाती है। इस दृश्य को देखकर दुर्वासा ऋषि अति क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर इस श्राप दे देते हैं। तुमने मुझसे पूछे बिना जलपान किया है इसलिए तुम्हें कृष्ण का वियोग सहना पड़ेगा और तेरी द्वारका में हमेशा पीने योग्य पानी की कमी रहेगी। फिर माता यहीं पर दुर्वासा ऋषि की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करती है। कृष्ण वियोग के कारण ही माता का 2 किलोमीटर दूर मंदिर बना। सुबह से चल चल के मैं हो चुका था बोर, क्योंकि सुबह से जब से हम ट्रेन से उतरे थे तब से हम कंटिन्यू चल ही रहे थे। बस थोड़ा सा टाइम इस अपना लाइक जो जल्यार में था बस वही 10-15 मिनट विश्राम किया था। आफ्टर मैंने भैया को बोला, भैया कोई ऐसी जगह ले लीजिए जहाँ पर मुझे पानी भी मिल जाए, मैं तैर सकूँ और मुझे मज़ा आ जाए। तो भैया ने बोला ठीक है, शिवराजपुर है वहाँ पर एक बीच है तो चलते बीच के ऊपर। बोला ठीक है भैया, आप जैसा समझो। फिर भैया ने हमको रिक्शे में बिठाया और हम बीच की तरफ निकल दिए।
भाई इसमें चलना है, बोल रही हूं क्यों नहीं बैठ जाएगा मैं बोल रही हूं भाई। वाह भाई क्या सीन है, क्योंकि वो एक से ले जाए। मुझे तो लगा था कोई छोटी मोटी जगह है जहाँ पर हम जाके शायद पैर अंदर डाल के स्विमिंग पूल जैसा होगा कुछ तो हम बैठ सकते हैं। भैया ने मुझे बताया था कि एक्चुअली हम प्रॉपर बीच के ऊपर जा रहे हैं समुद्र वाले। फिर जैसे मैं तो पहुँचा गाइस मैं तो देख के पागल सा हो गया यार, इतना बड़ा समुद्र, उसके बाद पानी जल, भाई मैं तो कैसे कूद जाता। फिर फ्रेंड लोगों ने बोला ऐसे नहीं कूद, जा कपड़े ले आ जो तैरने के लिए ले आए। तो हम स्विमिंग वाले अपने कपड़े लेके आए थे तो मैं फटाफट रेडी होके आ गया। गाइस यूँ मुझे तैरना तो बहुत ही अच्छा लगता है और मैं बहुत टाइम तक तैर लेता हूँ क्योंकि मुझे बचपन से इसकी प्रैक्टिस है। बट आज क्या सुबह से मैं चल चल के ऐसे ही थोड़ा थक गया था और उसके बाद तैरने में मैंने 2 घंटे जैसे तैरा तो मैं क्या और भी ज़्यादा थक गया। तो फिर मैंने तो भैया को बोला भैया यार आप कोई ऐसी जगह ले लो जहाँ पे मैं पेट भर सकूँ क्योंकि मुझे भूख बहुत ही ज़्यादा लगी थी गाइस। तो फिर भैया ने बोला ठीक है पहले हम चलते हैं महाकालेश्वर मंदिर पे जहाँ ज्योतिर्लिंग है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो वहाँ पर हम दर्शन करके फिर हम गोपी तालाब पे जाके कुछ खाएंगे और वहाँ पर सबसे कम पैसे में सबसे ज़्यादा खाना मिलेगा यानी पेट भर के मिलेगा। तो बोला ठीक है भैया। तो उन्होंने बोला वहाँ पर मोस्ट ऑफली ज़्यादातर टूरिस्ट जाते हैं तो और जितने भी मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर ही उनका लंच होता है। तो बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं आप वहाँ पर ले लीजिए। तो चलिए भक्तगण चलते हैं महाकाल महादेव शिव शंभु के चरणों में और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। अगर आपको दर्शन पूरा देखना है, पूरे मंदिर की परिक्रमा देखनी है, किस प्रकार से मंदिर को बनाया गया है और उसके अंदर मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है और क्यों यहाँ पर ये मंदिर की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बार पूजा अर्चना किया है, वो सब आपको हमारे पार्ट 2 में देखने को मिल जाएगा। हर हर महादेव।